नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा पर स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू मेक रिज्यूमे, आप रिज्यूमे कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से बनाएंगे, वो भी प्रोफेशनली, जो जॉब के लिए एकदम एसेंशियल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एकदम प्रोफेशनल रिज्यूमे वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बनाएंगे। तो आप किसी भी कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए तो एकदम प्रोफेशनल और भी न्यू मॉडर्न रिज्यूमे की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो आप किस तरह नया एकदम अच्छा सा प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाएंगे, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे रिज्यूमे बिल्डर। जैसे हम लोग यहाँ पर डालेंगे रिज्यूमे बिल्डर, तो यहाँ पर आ जाएगा रिज्यूमे बिल्डर सीबी। ये तो ये पहला ही आ गया, देखो दिखी दोस्तों यहाँ पर। तो हम लोग इसमें क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए, मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, तो अब मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना, बहुत ही अच्छी ऐप है दोस्तों ये। तो अब मैं इसे ओपन करने वाला हूँ। ओपन करने के जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा, देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आ चुकी है ऐप, इसे तुरंत मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, इसका ऐसा फ्रंट पेज दिखा देता है। इस ऐप का बहुत ही अच्छा ऐप है ये, प्रोफेशनल एकदम न्यू पीडीएफ के रूप में आपको एकदम अच्छा सा आपका रिज्यूमे मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट रिज्यूमे में जाकर क्लिक करूँगा। उसका यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दोस्तों देखो ऐड आते रहता है, आप यहाँ से इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, इतने सारे टाइटल्स आप दे सकते हैं अपने रिज्यूमे में। इतने सारे टॉपिक्स, बहुत ही अच्छी टॉपिक्स आप यहाँ पर दे सकते हैं अपने रिज्यूमे के अंदर। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर नेम, एड्रेस, सब कुछ आप यहाँ पर अपना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर एड्रेस डालता हूँ पी, देन एड्रेस के एनीथिंग, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ यहाँ पर डाल रहा हूँ। ईमेल में जाकर मैं अपना दोस्तों डाल रहा हूँ TEP, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी डाल देता हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर। अपना फ़ोन नंबर जैसे कि यहाँ पर दिया है 9876543221, कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देता हूँ दोस्तों, जैसे कि 20, कुछ भी मैं डाल देता हूँ दोस्तों। देखिए कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पर, कुछ भी डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ। लैंग्वेजेस में भी मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कुछ भी फिल कर देता हूँ मैं यहाँ पर जैसे। तो यहाँ पर फटाफट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों आप तुरंत सेव कर लेंगे, यहाँ पर दिखाएगा सेव सक्सेसफुली। उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे एजुकेशन में। एजुकेशन में जाने के बाद आप उसे एजुकेशन में भी जो भी आपको ईयर ऑफ पासिंग, CGPA, जो भी आपका परसेंटेज में ग्रेड होगी वो सब कुछ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इंस्टीट्यूट, कोर्स आपकी क्या थी वो सब कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी जैसे कि कोर्सेज कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोर्सेज है तो हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि 12th है या कुछ भी, मतलब यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट, CGPA, जो भी है यहाँ पर आप हम सब कुछ भी यहाँ पर डाल के उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस है, फिर प्रोजेक्ट डिटेल्स, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, हॉबी में आप जाकर अगर आपको हॉबी दिखानी है तो यहाँ पर ठीक है, नहीं तो हाइड कर रही तो हाइड भी कर सकते हैं इस तरह। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप सेव कर देंगे हाइड हॉबी, अगर आपको हॉबी भी अपनी करने देते तो फिर उसे हाइड करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ये सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे दिखाएगा सेव सक्सेसफुली। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, अचीवमेंट अवार्ड्स आपको अगर कुछ मिले तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रेफरेंसेस, एक्टिविटीज़ आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ किया अगर आपको दिखाना तो ठीक है, नहीं तो उसे भी आप यहाँ पर हाइड कर देंगे। ऑब्जेक्टिव डिक्लेरेशन, डेट, फिर फोटो और सिग्नेचर की जब बात आती है दोस्तों, तो यहाँ पर आप कोई भी अपनी कोई भी एक फोटो ले लेंगे। उसके बाद फोटो लेने के बाद आप यहाँ पर जो सिग्नेचर पैड है, तो आप इस तरह यहाँ पर कोई भी अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। तो कुछ भी यहाँ पर सिग्नेचर करके यहाँ पर आप अच्छी सिग्नेचर करके आराम से धीरे से करके आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर हाइड भी कर सकते हैं अपने सिग्नेचर को। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट रिज्यूमे करना है। जनरेट रिज्यूमे में करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऐड आ रहा है, इसे आप कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है, फ्रेशर्स रिज्यूमे जाना है या फिर एक्सपीरियंस रिज्यूमे में जाना है। तो मैं फ्रेशर्स रिज्यूमे के लिए जाऊँगा, नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर्स ही होता है। तो फ्रेशर्स रिज्यूमे में जाने के बाद यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स देते हैं, तो सबसे बेस्ट टेम्पलेट्स जिसमें फोटो के साथ दिया रहेगा वो वाला टेम्पलेट्स बेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि जाऊँगा कोई भी एक, जैसे कि मैं ये वाला रिज्यूमे ले लेता हूँ कार्ड्स का, ये बहुत ही अच्छा रिज्यूमे है। मैं यहाँ पर कोई भी कलर्स ले लेता हूँ, मैंने ये कलर्स ले लिया है, अब मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों अभी थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ पर आप जाएंगे जब तो ये सेव एज ए PDF, तो डॉक्यूमेंट्स आप इनेबल कर लेंगे और यहाँ पर अच्छे से PDF के रूप में आप ये कर लेंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी, मतलब एक आपका रिज्यूमे तैयार होगा जब आप फुल एकदम अपना जो डेटा है अच्छे से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। और यहाँ पर जो PDF दिया है, ये PDF के यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा।
आपको नाम सेव करने को बोलेगा, जैसे डिफॉल्ट कुछ भी करके। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरी सेव हो गई है। अब जाके अपने प्रोफाइल में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर आप गैलरी में जाके अपना ले सकते हैं, आपका PDF रूप में ही मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारे इस यूट्यूब के चैनल को देखने के लिए, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है हम, और इसे सब्सक्राइब कीजिए नए अपडेट्स के लिए। इसी तरह मैं नए वीडियो आपके अच्छी वैल्यूएबल नॉलेज के लिए बनाते रहता हूँ। तो हमारे चैनल को शेयर जरूर करना मत भूलिएगा, और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और एक लाइक तो बनती है।